मैडम, आपकी बड़ी अम्मी को ब्लड की जरूरत है, अर्जेंट। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है? मेरा है सिस्टर, और उनका भी ओ पॉजिटिव है। मैडम, ये पहन के जल्दी से उस वार्ड में आ जाइए। क्या है मैडम, आपने चेंज तो कर लिया, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तो आपको उस वार्ड में जाने के लिए कहा था ना, अपना खून देने के लिए। उस वार्ड में जाने के लिए कहा था ना, खून देने के लिए? पागल समझ के रखा है क्या? चॉकलेट है क्या सभी को देती फिरूंगी? भागो यहाँ से। अरे वो आपकी बड़ी अम्मी है, और फिर अपनी बड़ी अम्मी को आप खून नहीं देंगी तो और कौन देगा? हाँ, वो यही कही है। एक काम करो, एक आदमी और भेज दो। मेरी बड़ी अम्मी? हाँ बिल्कुल, मेरी बड़ी अम्मी को मैं खून नहीं दूंगी तो कौन देगा? अपनी बड़ी अम्मी को मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ, समझी? चलो, नहीं, चलो 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 चलो। डॉक्टर साहब, स्मोक पूरी बॉडी में फैल चुका है। आई डोंट नो कि हम पेशेंट को बचा भी पाएंगे या नहीं। बहुत ही जहरीला धुआं था, पर दिलशाद जी की हालत अब खतरे से बाहर है। उनको ब्लड की जरूरत थी जो ऑलरेडी हम उनको दे रहे हैं, लेकिन दूसरे पेशेंट मिस्टर आहिल, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। ओके डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखिए, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। रेहान, क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बड़ी अम्मी खतरे से बाहर है। और आहिल? उनकी कंडीशन और भी क्रिटिकल हो रही है। एक सेकंड में। अगर उसे कुछ हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आहिल ने अभी तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं किया। वो हमें हमारा हक दिए बिना ऐसे नहीं मर सकता। और दिलशाद को तो हम जिंदा छोड़ नहीं सकते। हमें कुछ तो करना होगा। सबसे पहले सनम को यहां से भेजना होगा। सनम बेटा, हम सोच रहे थे कि तुम बहुत थक गई होगी, तो अब तुम भी घर चली जाओ। वैसे भी देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी अम्मी की तबीयत तो अब ठीक है ना, तो तुम्हें जाकर थोड़ा आराम कर लो। नहीं बेगम साहिबा, लेकिन सनम बेटा, अहम है ना। देखो सनम बेटा, हम जानते हैं कि तुम और आहिर दोनों मियां बीवी बनने का नाटक बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन सनम बेटा, यहाँ कौन है जो तुम दोनों को देख रहा है? और वैसे भी बेटा,
अगर कोई पूछे ना तो कह देना कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए तुम चली गई। इसे तुम दोनों के रिश्ते की हकीकत किसी को पता नहीं चलेगी, ठीक है? मैं नहीं जा सकती बेगम साहब। और फिर आहिल, एक ये बुटी है जो मरते मरती नहीं, दूसरी उसकी ये पोती जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। मैंने मैडम का ब्लड कलेक्ट किया है। अरे तो मैंने क्या किसी भूत का खून लिया है? नहीं बोल रही थी। क्या हुआ? मैडम देखिए ना, आपका खून मैंने कलेक्ट किया था, आपने देखा था ना। अब ये दूसरी बोतल लेकर आई है और कह रही है कि ये खून आपका है। अरे मैं कह रही, एक मिनट, देखिए ये बहस का वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी से जाइए, उन्हें खून चढ़ाइए प्लीज। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती आहिल, नहीं जा सकती। अच्छा हुआ पापा कि मुझे हुलिया बदलने का मौका मिल गया, बचा लिया आपने, नहीं तो वो गाज आज मुझे आपके पास पार्सल कर ही देते। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे बगैर ही ठीक हूँ मैं। और मुझे भी अपनी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं, अगर मुझे कुछ चाहिए ना तो आजादी चाहिए आपसे, या दम घुटना है आपके साथ। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको बहुत गलत कहा, बहुत बुरा कहा, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलतियों की माफी मांगने का, मुझे छोड़ के मत जाइए। हमेशा अपनी मनमानी क्यों करता है? आपकी जिंदगी पे मेरा हक है, आपकी बीवी हूं मैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, कोई नहीं छीन सकता आपको मुझसे आहिल, कोई नहीं छीन सकता। रोता हुआ देख के मुझे आंसू क्यों आ रहे, पता नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है।
कैसे हो सकता है? ये क्या है? पापा ये क्या है? ये तो सेम टू सेम मेरी शक्ल है। क्या तुम ऐसे निकाह के लिए हाँ कह रही हो? आया, बड़ी अम्मी अब ठीक हैं। और सनम के शौहर आहिल वो कैसे हैं? उन्हें होश आ गया? मैं समझा नहीं, क्या? आहिल भाई, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो मेरे साथ। आप लोग हटिए साइड से, हटिए। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए आहिल, ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब मुझे बता तो दीजिए कुछ। सनम बेटा, क्या हुआ? क्या हो रहा है? आहिल कहाँ है?
तब घुटता है आपके साथ। और जिस दिन हमारा ये नकली रिश्ता खत्म होगा ना, मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। अल्लाह मियां ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते का कोई वजूद नहीं है। मैं जानती हूँ अल्लाह मियां वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं ये भी जानती हूँ सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो मेरे साथ। फिर भी मैं ये जानती हूँ अल्लाह मियां कि मैं कुछ ना हो, अल्लाह उन्हें बचा लीजिए, उन्हें हर पल मेरी मदद की, हर वक्त मेरे घर वालों का ख्याल रखा, आया के लिए बड़ी अम्मी के लिए बहुत कुछ किया, मेरी जिंदगी बचाई है उन्होंने। मुझे माफ कर दीजिए हर उस बात के लिए जो मैंने उनके खिलाफ कही। अल्लाह मियां मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उनके बारे में बुरा कहा, वो दिल से बुरे नहीं है। अगर आपको सजा देनी है अल्लाह तो आप मुझे दीजिए, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ गलत कहा, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी जिंदगी बख्श दीजिए। अल्लाह मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए अपनी गलती को सुधारने का। मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ अल्लाह मियां, के लिए उन्हें ठीक कर दीजिए अल्लाह मियां, उनकी जिंदगी बहुत कीमती है अल्लाह मियां, प्लीज उनकी जिंदगी बख्श दीजिए।